नो आई वॉज वेरी वेरी इंटिमिडेटेड आई मस्ट बी ऑनेस्ट. मैं काफी डरा हुआ था और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिकॉज आई हैव डन अबाउट 24-25 फिल्म्स नाउ. तो इट वॉज लाइक ओके ऑसम. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मी एंड डायरा डूइंग अ फिल्म टुगेदर. लेकिन जब वो मोमेंट आया जब मुझे और उनको पहली बार साथ में एक शॉट में खड़े रहना था, सडनली आई गॉट बटरफ्लाइज इन माई स्टमक. और सडनली मुझे ऐसा लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई यार, नहीं करना चाहिए था, डैड के साथ एक फ्रेम में नहीं खड़े रहना चाहिए था, आई एम गोइंग टू मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ. और उसके बाद मैंने एक डेढ़ दिन काफ़ी ओवर एक्टिंग की और उसके बाद बट इवेंचुअली वी सेटल्ड इन एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन. एंड लाइक यू सेइंग डैड्स कॉमिक टाइमिंग इज आउटस्टैंडिंग. और काफ़ी सारे उस तरीके के सीन्स हैं इस फिल्म के अंदर बिकॉज जो डैड्स प्लेइंग हर फादर एंड आई एम प्लेइंग द गाय हु लाइक्स हर, तो ऑब्वियसली हर फादर कैन नेवर लाइक द गाय हु लाइक्स हर. तो हमारे बीच में तू मैं चलती रहती है और उस वजह से काफ़ी सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें वो कॉमिक टाइमिंग का एलिमेंट आता रहता है. एंड आई जस्ट होप दैट लोग मुझे भी देख ले थोड़ा सा. दिस वॉज मुकेश छाबराज आइडिया, जो कास्टिंग डायरेक्टर है जिन्होंने सना को ऑडिशन करवाया इस रोल के लिए, जो ईशा का रोल है, जो आलिया की बहन का रोल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिल्म के अंदर. और जब वो उन्होंने सना को भेजा तो उन्होंने किसी को बताया भी नहीं कि एक्चुअली वो मेरी बहन है या डैड की बेटी है. और जब उनको ऑडिशन में रोल मिल गया उसके बाद उन्होंने बताया कि वो कौन है. सो द होल क्रेडिट हैज टू गो ऑनेस्टली टू सना एंड टू द पर्सन हु प्रेजेंटेड हर टू विकास एज सुपर.